बुरहानपुर की नेपानगर तहसील के दवाली कला गांव में एक किसान को रिकॉर्ड में मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। दरअसल कुल सिंह नामक किसान सम्मान निधि राशि की जानकारी लेने पटवारी के पास पहुंचा, जहां पटवारी ने पहले तो उससे ई केवाईसी कराई, लेकिन सारी खाना पूर्ति होने के बाद जब किसान ने रिकॉर्ड में नाम के आगे मृत्यु देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए कलेक्टर दफ्तर पहुंचा। जिला प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। उधर क्षेत्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने जिंदा इंसान को मृत घोषित करने पर अफसोस जताया है। आज की तारीख में जिस प्रकार से ये कल्लू सिंह गोपाल फुल सिंह दवाली के किसान है, जिंदा है, सबके सामने आपके हमारे सबके सामने खड़े है, और इनको राजस्व विभाग ने यानी कि संबंधित पटवारी ने और गांव के दीगर जिम्मेदार लोगों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में वह किसान जो कि लगातार 14 किस्तें प्राप्त कर रहा था प्रधानमंत्री भी अनुदान वाली, तो वह भी बंद हो गई। और इसके लिए इस प्रकार के जो आवेदन दे देकर तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार के पास, SDM के पास और आज कलेक्टर साहब के पास आने के बावजूद भी जिंदा आदमी ये कह रहा है कि मैं तो जिंदा हूँ साहब, देख लो आपके सामने खड़ा हूँ और ये आवेदन भी दे रहा हूँ, मुझे मृत घोषित कर दिया। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से गोपाल देवकर जुड़ चुके हैं। गोपाल देवकर, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए इसके बाबत। जिस तरह से बात की जाए, यदि हम दवाली कला गाँव की, जहाँ की एक किसान को मृत घोषित किया गया, दरअसल यदि कुल सिंह नामक जो किसान था वो संबंध निधि राशि की जानकारी लेने जब पहुंचा तो पटवारी ने उससे KYC भी कराई, किंतु सारी खाना पूर्ति होने के बाद यदि हम बात करें तो किसान ने रिकॉर्ड में अपना नाम देखा तो उसके बाद उसे पता चला कि उसे मृत घोषित किया है। यानी यदि हम बात करें तो शासकीय विभाग की तो किस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिली कि वहाँ व्यक्ति यदि जिंदा है लेकिन उसके बावजूद जो है उसे मृत घोषित किया है, और जिस तरह से देखने के बाद आखिरकार वो इस तरह से अपने आप में भयभीत हुआ कि क्या मेरी जमीन चली जाएगी या मेरा क्या क्या मेरा चला जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। इस प्रकार वह जो है फिर वापस जिला प्रशासन के पास गुहार लगाने पहुंचा और जिला कलेक्टर को जो है इसकी जानकारी दी। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से जो है इसे वापस अपने सम्मान निधि और अन्य निधियों के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जी गोपाल, आपने जो यहाँ पे पटवारी है उनसे बात किया कि आखिर इस प्रकार की त्रुटि कैसे हो गई, एक जिंदा इंसान को जिस तरह से अधिकारियों से चर्चा की गई है, कलेक्टर बुरहानपुर ने जो है इसे संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद कहां टूटी हुई है उसके लिए जो है जांच दल भी बनाया जा रहा है। आखिरकार किसान को उसका उसके उसका हक मिलना चाहिए, जिसके लिए अब वो स्वयं भी लड़ रहा है और उसकी तरफ से जो है किसान संगठन के नेता भी जो है उसके लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल देवकर, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।